देखिए, फुर्सतगंज में हम आए थे, वहाँ जो कार्यक्रम है, अरे वो कौन यज्ञ क्या क्या और भंडारा, कोई लड़का किसी बाबा के पास टाइम नहीं। हमने कहा चलो भाई हम ही देव, हम अपना भी सामान लेके आए हैं काफ़ी मात्रा में, अब यहाँ भोज करने के आए हैं। यह संगजन के पड़वा, इधर दिखाओ, यह रायबरेली के जो संगजन के पड़वा के जय सिंह साहब हैं, ये उन्हीं का उधर घर है, पूरा उन्हीं के खानदान का है। और यहाँ और जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम वो लोग साल में एक बार करते हैं, बाबाओं को बुला के भोजन का भंडारा। इसी जगह कई बार भंडारे में मैं आ चुका हूँ। यही मेरा लोगों से कथन है कि अभी हमको यहाँ बंदा न दिखाई पड़ते तो हम जा रहे थे बेतौरा, और वहाँ नहीं तो मझलहा, और मझलहा नहीं तो यादवों के गाँव जो है मुंशी का पड़वा, वहाँ हर हालत में मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो बाबा ने जो बताया था है ना, ब्रह्मणी के वादा कि संगलन के परमा महाराज देख लीजो, और हम लोग मुड़ने जा रहे थे, अब तक निगाह पड़ गई यहाँ। तो अब आप दिखाइए इनको, हम खिलाना शुरू करें जरा सा। आ भाई आओ 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 आओ, देखो भंडारा भंडारिया। यहाँ मैं कई बार यहाँ इसी मैदान में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। प्रणाम महाराज जी। जय हो, जय 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 जय। अब ये फुर्सतगंज में यज्ञ चल रहा है जी महाराज जी, आज समापन है, तो हम लोग वहाँ फिर इधर सूरज के सामने लगाए हैं कैमरा, चाहे जब तक समझाओ, अरे मूर्ख दौड़ के इधर आ जाते क्या हो जाएगा, बार बार उसी बात को। तो अब वहाँ तो जानते हैं, वही भंडारा जी, जी वही भंडारा, बंदर से मतलब नहीं जी जी। हमने कहा लाओ भाई, तो उनका सामान लिया, अपना हमने काफ़ी सामान लिया। कल भी गए थे मुंशी के पड़वा, मझलहा के आगे वहीं मिले थे, ये तो आदमी की निगाह पड़ गई इसके ऊपर। हाँ भाई आओ, तो हमने कहा चलाओ यहीं खिला दें, तो यहाँ से फुर्सतगंज करीबे है जी, पहुँच जाएंगे हाँ। वहाँ कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद में फिर रायबरेली के लिए रवाना होंगे। ये है, तो मौका हो तो आप, इच्छा हो तो आप भी भंडारे में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। उड़ी है, पहले रोटी दे देंगे, वो भी देंगे। आओ भाई आओ, नीचे उतर के आओ, तो उनका गोरी में देगा झोले पल्ले। हाँ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तुमको जब भी बनाना है तुम इधर घूम जाओ, ये नहीं कि अब सामने लेकर चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ खाओ खाओ, पूरा वहाँ से घूम बनाओ। राम राम हे राम राम, तुम दादाजी दादाजी ले दिया, ये भंडारी की पहले पूरी खाओ, फिर हम रोटी देंगे। अच्छा ले लो खाओ, ले लो खाओ खाओ खाओ, ले ले खाओ 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 खाओ, ले ले खाओ ले खाओ खाओ। काफ़ी है यहाँ तो, ये गांव में हमेशा यही मिलते हैं क्या? हाँ अच्छा, अब हमको हम आपसे पूछा करेंगे। देखो देखो यार, देखो बना के दिखा रहा, दिखा रहा बाबा, आप काहे परेशान हो? नहीं जो बनने वाली है, तुम दूर से क्या बना रहे हो? क्या हो जो चीज बनाने वाली चीज है सब है गंदी बात, देखो जो बनाने वाली दूर से बना रहे हो, भाई तरीके नहीं मालूम। खाओ बाबा, उधर पीछे फेंक दो, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, अब झोले में तो आए नहीं, तुमको बुढ़िया मिली है खाली, तो झोला आपका दिया तो आप झोला नौबन है को, तो हम क्या करें बताओ, झोला तो देना तो रहा है, तो वहीं से झोला में रख लेते हैं ना, बुढ़िया की क्या जरूरत थी, वहीं से तुम रेडी हो जाओ, बंदर के बीच में पहुँच के तैयारी नहीं करनी पड़ती है। लो बालाजी उठाओ, ले ले लो अब ले लो, ले लो बालाजी उठा लो भाई, खाओ। शरीफ का बनाना, बनाने से अच्छा बढ़िया पोल आता है, दूर से बनाओ तो धरी है मोस लेनी। अरे यही कुछ आइडिया सीखो काम करते करते। इस दल का सरदार है ये, लो भैया अपने बच्चों बच्चों के दे दो भाई, बोलने बच्चे। बाबा जी हाँ। पीछे फेंको या छोटा बच्चा आया यहाँ। हाँ 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 दे, हैं उसको मत भगाओ, गंदी बात, रुको अभी बच्चों को तो मिला नहीं होगा, बच्चे सब ऊपर हैं। कहाँ ऊपर? हाँ अभी चढ़े। अच्छा वहाँ फेंक रहे हैं, लाओ थोड़ा छत ऊपर डालो,
इधर आओ सारे ले जब देखाओ तुम हमेशा पीठ में पीछे पीछे सूरज को कर दो वहाँ भी पहुँच जाएंगे खाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे तो लो खाओ ले लो अब अलग अलग रंग के हैं सब ले लो खाओ ये लो खाओ अब हाथ के चक्कर में होंगे तो ये भगा देगा तो हम ले लेंगे बाबा जी ऊपर हाँ। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं ऊपर आ जाओ थैंक बड़ों की वजह से नहीं आ रहे हैं थोड़ा आगे बढ़े ताकि वो भी आ जाए है ना हाँ आ जाओ बाला जी आओ भाई आओ आओ थोड़ा तुम यही रहो थोड़ा हम इधर आ जाए तो जो छोटे वाले हैं सब उतर के आएंगे या कोई दिक्कत तो नहीं खिला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं महाराज जी अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा जी जी और अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि रोटी किसी को ठेका दे दे वो रोटी बना के आपको रोज दे दिया करे और उसे रोटी को अगर आप खिला दें इतना बड़ा चमत्कार होगा कि आप हम कुछ कह नहीं पाएंगे ये आबा बाबा ये अंडारा भंडारा सब बकवास है कुछ नहीं है इतने बाबा भंडारा हो रहा है कोरोना का है आ गया और इनको अगर कोई इनमें बड़े चमत्कार है देखो हम अब आ जाए ना दे भैया देव देव खाओ देव खाओ और अब आ गया अब वहाँ से देखो जो डटे हैं वो हटेंगे तो ये छोटे वाले बच्चे उतर के आएंगे इस झोले में हम ले गए निचोले झोलम बड़ी बड़ी है रोटी बाबा निचोले झोलम बड़ी वाली है ये पूरी इडली तो है खाते जरूर हैं ये रोटी खाओ बढ़िया लो खाओ रोटी लो वो वाला झोला ले लो लो डरो मत भाई ले दो ले खाओ रोटी इनको नुकसान नहीं करता तो अगर हो जाए व्यवस्था चूँकि देखिए ये कहीं जाएंगे तो है नहीं तो अगर इनको रोटी यहाँ मिल जाए ले 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 और निकालो तो बड़ा काम बन जाए कि उनको हटाना और ये करना बड़ा मुश्किल है पड़के तो हैं हैं यहाँ पर तब तो उस बाबा ने बताया वो जो वहाँ है उसने कहा कि महाराज आप संगन प्रोग्राम देख लो कहाँ बतौरा मुंशी के प्रोग्राम मैं कल गया था तो क्योंकि उनके कार्यक्रम में हम आ रहे हैं हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो बंदर भोज हमारा प्रथम कार्य होता है कि हनुमान जी के वंशज यही तो है और हम पत्थर के हनुमान को लड्डू खिला रहे हैं और हम खुद खा रहे हैं ये कैसे विलंबना है तब कनाडा अमेरिका और कहाँ कहाँ के लोग हम पैर जोड़ गए रोटी निकाला अभी छोटे नहीं उतरे ना ये एक छोटा बच्चा लेके आई साथ में ये अब आई है लो तुम डबल दो लो आओ ले लो आओ ले लो अपने बच्चों बच्चों को दे दो भाई अरे बच्चों बच्चों को दे दो भाई जिनके लिए आज तक किसी ने सरकार से नहीं मांग किया कि इनकी भी नसबंदी की जाए है ना आबादी इनकी बढ़ रही तो किसान तो परेशान हो गए तो किसान को चाहिए कि आवाज उठावे ना देखो क्या नाम है तुम्हारा लाल मोहम्मद ले आगे सरदार आगे या देखो ले बाबा जी छोटा बच्चा है बोरी उरी में लेके कभी मत आया करो उसने दिया तुम अपने झोले में ले लो मौके पर नाटक नहीं होना चाहिए झोले ने फट कर टांगा काम शुरू किया उसमें नहीं मिलेगा सरदार बड़े चालाक हो और हम बच्चों को देंगे ना दूर दूर जाके देखो मम्मी के साथ बच्चा खा रहा है अरे भाई अच्छा
लाल वाले जो है उनको रोटी दीजिए, ज्यादा खाएंगे। कैसा भी संकट हो, कैसा भी मुसीबत हो, अगर आदमी इनको रोजाना खिलाना शुरू कर दे बड़े बड़े संकटों को काट देते। बड़े बड़े संकटों को कितने लोगों पर मैंने आजमाया है। ये केसरी के वंशज, हनुमान के वंशज यही है। लाल वाले हैं वो बाली सुग्रीव के वंशज, उनके भी खिलाने का फल है। और इनके लिए बताओ कहाँ रायबरेली, कहाँ हम यहाँ मुंशी के परवा जाना पड़ता है। तो आपका फोन नंबर ले देंगे हम, देखिए रोटी भी खा रहे हैं सरदार, ले देंगे आपसे, पूछेंगे भैया बंधक तो नहीं है आपके गांव में, तो ये आसान रहेगा, है ना, सीधे वहाँ आओ सनसनाते। अब तो यह नहर वाला रास्ता भी बन गया। हाँ सेंगर साहब के साथ में मैं दिल्ली गया था, जिंदगी में उसी बारात मैंने नहीं देखी थी, दिल्ली में उसी बारात नहीं देखी थी, आज तक नहीं देखा। तो वो तो ज़्यादातर रायबरेली में ही है, यहाँ कभी कभी आते होंगे। जाना पड़ा, जैसे छोटे बच्चे उतरे हैं उनको देंगे जाके। अब एक काम करो, एक मिनट के लिए बंद करके अब फिर चालू कर दो, ये